हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो क्लास में। फ्रेंड्स, इस वीडियो क्लास में हम डिस्कस करेंगे बेस्ट इंग्लिश क्वेश्चंस आईबीपीएस क्लर्क एग्ज़ाम के लिए। जैसा कि आप जानते हैं कि आईबीपीएस क्लर्क एग्ज़ाम 2018 दिसंबर मंथ में होने वाला है और सभी स्टूडेंट्स इसकी तैयारी कर रहे हैं, और इसमें जो पैटर्न पूछा जाएगा वो निश्चित रूप से काफ़ी अलग होगा, लेटेस्ट पैटर्न होगा, क्योंकि बैंकिंग एग्जाम्स में पैटर्न में वेरिएशन देखने को मिल रहा है। तो इसलिए नए नए पैटर्न के क्वेश्चंस मैं इस चैनल पर अपलोड करूंगा हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में, ठीक है? तो चलिए शुरुआत करते हैं, इन क्वेश्चंस को देखते हैं। देखिए, ये एक नया पैटर्न है और ये स्पॉटिंग एरर का ही एक टाइप है, लेकिन अलग तरीके के ये क्वेश्चन हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक क्वेश्चन दिया है और इसमें लास्ट वाला जो पाथ है, ये वाला जो पाथ है, ये ऑलरेडी करेक्ट है, ठीक है? अब इसके अलावा बाकी के जो चार पार्ट हैं उसमें से तीन पार्ट इनकरेक्ट हैं और एक करेक्ट पाथ है। तो उस करेक्ट पाथ को आपको देखना है और वही आपका इसमें आंसर होगा, ठीक है? तो यहाँ से पढ़ते हैं। देखिए, इन स्पॉटिंग एरर के थ्रू आपकी, इसमें मैंने 10 क्वेश्चन लिए हैं, लेकिन 10 क्वेश्चन के थ्रू आपके करीब 30 से 40 क्वेश्चन तैयार होंगे, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे मैं फैक्ट्स और काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स मैं आपको बताऊंगा। तो इसलिए इस पूरे वीडियो क्लास को आप ध्यान से देखिए। ऑल दो ह्यूज चंक ऑफ इंडियन डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज इनिशियल स्टार्टेड इन साउथ इंडिया, मैनी ऑफ देम हैज पैन इंडिया ऑपरेशन टुडे। पैन इंडिया क्या मतलब होता है? पैन इंडिया का मतलब होता है कि उसका जो प्रेजेंस है वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में है, अक्रॉस इंडिया में है, ठीक है? अब यहाँ पर देखते हैं, ऑल दो ह्यूज चंक। चंक माने क्या होता है? चंक होता है एक पार्ट, किसी भी चीज़ का एक पार्ट, ठीक है? ह्यूज मतलब बहुत बड़ा। तो यहाँ पर ह्यूज क्या है? एक एडजेक्टिव है, चंक एक नाउन है। तो नाउन और एडजेक्टिव का जो कॉम्बिनेशन होता है, उससे पहले हम ए का प्रयोग करते हैं। ए, ऑल दो आ ह्यूज चंक ऑफ, ठीक है? तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे? यहाँ पर हम ए लगाएंगे। ऑल दो आ ह्यूज चंक ऑफ इंडियन डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज। अब देखिए, स्टार्टेड क्या है? स्टार्टेड एक वर्ब है, वर्ब को हम मॉडिफाई करते हैं एडवर्ब से। तो यहाँ पर हम बोलेंगे इन प्लेस ऑफ इनिशियल, हम बोलेंगे इनिशियली स्टार्टेड, ठीक है? इनिशियली स्टार्टेड इन साउथ इंडिया मैनी ऑफ देम। मैनी ऑफ देम सिंगुलर है या प्लूरल है? मैनी ऑफ देम आपका प्लूरल है, तो इसलिए यहाँ पर हम बोलेंगे हैव पैन इंडिया प्रेजेंस। तो इसमें सही कौन सा है? स्टार्टेड इन साउथ इंडिया मैनी ऑफ देम, ये जो पार्ट है ये करेक्ट है, यानी लास्ट पार्ट के अलावा ये पार्ट इसमें करेक्ट है। और बाकी पार्ट्स में क्या एरर है ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। यहाँ पर आएगा ए, ठीक है? यहाँ पर आएगा डायरेक्ट सेलिंग कंपनी इनिशियली स्टार्टेड, और यहाँ पर आएगा हैव पैन इंडिया प्रेजेंस। तो इस तरीके से इसमें थर्ड जो पार्ट है वो करेक्ट है, और ये है आपका लेटेस्ट पैटर्न। तो लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चन मैं रेगुलर बेसिस पर इस चैनल पर अपलोड करूंगा। हिंदी का अलग वीडियो क्लास होगा और इंग्लिश लैंग्वेज का अलग वीडियो क्लास होगा, जिसमें मैं इंग्लिश टू इंग्लिश सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा। अब देखते हैं, ये है एक सेकेंड क्वेश्चन। एज ए रिजल्ट ऑफ द लैक ऑफ क्लैरिटी, अ नंबर ऑफ फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज इन द इंडस्ट्री हैव इंक्रीज्ड एंड लेजिटिमेट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी इज टू बी कन्फ्यूज विद पोंजी स्कीम्स। देखिए, आपने डायरेक्ट मार्केटिंग कंपनीज या मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनीज के बारे में सुना होगा, उसमें से काफ़ी सारी कंपनीज पोंजी स्कीम्स होती हैं, यानी फ्रॉड स्कीम्स होती हैं। तो उसी के बारे में इसमें बात हो रही है। डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का मतलब है कि हम बीच में कोई मीडिएटर नहीं होता, लोग डायरेक्ट जाके किसी भी प्रोडक्ट को बेचते हैं, ठीक है? तो इसमें हम देखते हैं, एज ए रिजल्ट ऑफ द लैक ऑफ क्लैरिटी। देखिए, इस तरह के क्वेश्चंस को आप डायरेक्टली डायरेक्टली भी अप्रोच कर सकते हैं। डायरेक्टली का मतलब ये है कि यहाँ पर ये जो पार्ट है ये करेक्ट है, अब आपको एक पार्ट और करेक्ट देखना है। तो यदि आप ये वाला पार्ट देखें, देखिए आपको जो तीन पार्ट है उनको नहीं देखना है। यदि आपको पहले से ही लगता है या ऊपर से देखने से लगता है कि ये पार्ट करेक्ट है, तो वो भी उसका एक आइडिया लग सकता है कि वहाँ से कि वो आंसर इसका हो सकता है। एज ए रिजल्ट ऑफ द लैक ऑफ क्लैरिटी, ये जो पाथ है इसमें कोई एरर नहीं दिखाई दे रही है, तो ये इसका आंसर हो सकता है। अब हम देखते हैं, अ नंबर ऑफ फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज इन द इंडस्ट्री हैव इंक्रीज्ड। अब देखिए, देखने से ये करेक्ट लग रहा है, ये करेक्ट लग रहा है इसमें, ठीक है? लेकिन दो करेक्ट नहीं हो सकते, करेक्ट केवल एक ही होगा। इसका मतलब यहां पर कुछ गलती है। तो यहां पर होगा, अ नंबर ऑफ फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज इन द इंडस्ट्री हैव इंक्रीज। देखिए, एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री की बात हो रही है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की इसमें बात हो रही है, ठीक है?
डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज की संख्या बढ़ गई है. फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज नहीं बढ़ी है, जबकि फ्रॉड सही एक्चुअली फ्रेज होगा कि द नंबर ऑफ फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज, कि फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज की संख्या जो है वो बढ़ी है. फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज आ नंबर ऑफ फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज का मतलब वो कई सारी अलग अलग तरीके की फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी, जबकि यहाँ पर एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री की फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज की बात हो रही है. तो इसलिए द नंबर ऑफ फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज कहना ज़्यादा सही होगा. द नंबर ऑफ फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज, अब देखिए ए नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ में डिफरेंस क्या है. ए नंबर ऑफ प्लूरल होता है, क्योंकि ए नंबर ऑफ का मतलब होता है बहुत सारी, जबकि द नंबर ऑफ का मतलब होता है संख्या, और संख्या होती है सिंगुलर, संख्या होती है सिंगुलर. तो इसलिए यदि आप यहां पर द लगाएंगे तो यहां पर आपको हैज लगाना पड़ेगा, ठीक है. एंड लेजिटिमेट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी इज बीइंग कंफ्यूज्ड, डायरेक्ट सेलिंग इज बीइंग कंफ्यूज्ड विद पोंजी स्कीम. इस सेंटेंस का मतलब क्या है? इस सेंटेंस का मतलब ये है कि एज ए रिजल्ट ऑफ द लैक ऑफ क्लैरिटी, मतलब इस इंडस्ट्री में गवर्नमेंट की तरफ से एक लैक ऑफ क्लैरिटी है, क्लैरिटी की इसमें कमी है, इसलिए फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज इस इंडस्ट्री में बढ़ती जा रही हैं, और जो सही कंपनीज हैं, जो लेजिटिमेट कंपनीज हैं, उनको कन्फ्यूज किया जा रहा है पोंजी स्कीम के साथ द्वारा, पोंजी स्कीम के साथ. एंड लेजिटिमेट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी इज बीइंग कन्फ्यूज्ड, उनको किया जा रहा है, ठीक है. तो इसलिए इसमें आएगा आपका डायरेक्ट सेलिंग कंपनी इज बीइंग कंफ्यूज्ड. इस टू बी कंफ्यूज्ड का मतलब होगा कि ऐसा किया जाना है, जो कि गलत होगा, ठीक है. जैसे यदि मैं बोलूं कि ही हैज टू कम, इसका मतलब होगा उसको आना ही है. और अगर मैं बोलूं कि ही इज बीइंग टॉट, इसका मतलब होगा उसको पढ़ाया जा रहा है. तो उसी तरीके से यहां पर डायरेक्ट सेलिंग इज बीइंग कंफ्यूज्ड विद पोंजी स्कीम्स, ठीक है. आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा. तो यहां पर ये जो फर्स्ट पार्ट है, ये इसमें सही आंसर है, मतलब ये पार्ट जो है करेक्ट है, पोंजी स्कीम वाला जो पार्ट है उसके अलावा एक ये पार्ट करेक्ट है. बाकी के पार्ट में क्या एरर है एक बार और देख लेते हैं. यहां पर होगा द नंबर ऑफ, ठीक है, यहां पर होगा हैज, यहां पर होगा द नंबर ऑफ, और यहां पर होगा डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज, डायरेक्ट सेलिंग इज बीइंग कंफ्यूज्ड. इस तरीके से इसमें आपका जो आंसर होगा वो फर्स्ट होगा. तो इस तरीके से काफ़ी सारे आपके स्पॉटिंग एरर के कॉन्सेप्ट्स इन वीडियो क्लासेस के थ्रू आपके क्लियर होंगे, और आई होप कि आपको मदद मिलेगी IBPS करके एग्जाम निकालने में. देखिए इस सेंटेंस को हम देखते हैं, द इकोनॉमीज एक्सटर्नल काउंट कुड कम अंडर प्रेशर. अब देखिए आपको क्या करना है, आपको केवल एक ही सेंटेंस तो निकालना है, यानी एक ही पार्ट, करेक्ट पार्ट निकालना है. तो यदि ऊपर से आप देखें तो देखिए ये वाला पार्ट देखिए, कुड कम अंडर प्रेशर. अंडर प्रेशर एक फ्रेज है, ठीक है. अंडर प्रेशर, अंडर ट्रेनिंग, अंडर कंस्ट्रक्शन, अंडर रिवीजन, ये सारे फ्रेजेस हैं, तो इसमें कोई गलती नहीं है. कैन और कुड के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, तो इसमें भी कोई गलती नहीं है. यानी डायरेक्टली आप ये भी इसमें आंसर लगा सकते हैं, इस तरीके से भी इस तरह के क्वेश्चंस को अप्रोच आप कर सकते हैं. कैन कुड, देखिए कुड प्रेजेंट में भी यूज होता है और पास्ट टेंस में भी यूज होता है, ऐसा नहीं है कि कुड केवल पास्ट टेंस में ही यूज होता है. कैन के थ्रू यदि आप 100% पॉसिबिलिटी बता रहे हैं, तो कुड के थ्रू आप 60% पॉसिबिलिटी बता रहे हैं, यानी वीक पॉसिबिलिटी को बताने के लिए भी आप कुड का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में आप कर सकते हैं. तो ये मैं कुछ यहां पर कॉन्सेप्ट्स आपको बता रहा हूं. द इकोनॉमीज एक्सटर्नल, एक्चुअली ये काउंट नहीं होगा, इकोनॉमी का काउंट कुछ नहीं होता, इकोनॉमी का अकाउंट होता है, एक्चुअली एक्सटर्नल अकाउंट होता है. तो इकोनॉमीज एक्सटर्नल अकाउंट कुड कम अंडर प्रेशर बट इट इज़ नो कॉज फॉर वरी. देखिए ये जो फ्रेज है ये गलत है, यहाँ पर होगा देयर इज नो कॉज फॉर वरी, क्योंकि हम बता रहे हैं देयर के थ्रू हम बताते हैं किसी चीज़ का एग्जिस्टेंस, देयर के थ्रू हम बताते हैं किसी चीज़ का एग्जिस्टेंस, कि कोई चीज़ वहाँ पर है या नहीं है. तो हम इसमें बता रहे हैं कि देयर इज नो कॉज फॉर वरी, और ये फ्रेज भी सही है. इट इज़ नो कॉज फॉर वरी थोड़ा सा गलत लग रहा है यहाँ पर. देयर इज नो कॉज फॉर वरी एज द, यहाँ पर होगा आपका बैलेंसिंग ऑफ पेमेंट नहीं होता, सही जो टर्म है वो है बैलेंस ऑफ पेमेंट, और बैलेंस ऑफ पेमेंट सिंगुलर है, तो यहाँ पर ये होगा स्टेज टिप, इसमें एस लगाएंगे हम. तो इसलिए इसमें इस पर्टिकुलर सेंटेंस में सेकेंड जो पार्ट है ये करेक्ट है आपका.
ठीक है, तो ये स्पॉटिंग एरर के ही क्वेश्चन है, लेकिन इसको थोड़ा सा ट्विस्ट करके इन क्वेश्चंस को दिया गया है, और सेम इसी तरीके के क्वेश्चन आप फोर्थकमिंग IBPS करके एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, द चार्ट्स ऑन डिजिटलाइजेशन बाय पेमेंट्स। द चार्ट्स ऑन डिजिटलाइजेशन किस चीज का है? पेमेंट्स का है। द चार्ट्स ऑन डिजिटलाइजेशन ऑफ पेमेंट्स होना चाहिए ये। बैलेंसेज इन जनधन अकाउंट्स, बैलेंसेज इन जनधन अकाउंट सही है, एंड एन एक्सटेंट ऑफ कैश। यहां पर हम बोलेंगे, देखिए यदि हम बोल रहे हैं, यदि हम दो नाउन को ऑफ के द्वारा जोड़ते हैं, तो पहली नाउन में हम द लगा के उसको पर्टिकुलर कर देते हैं, ठीक है। इसमें किस एक्सटेंट की बात हो रही है? एक्सटेंट ऑफ कैश की बात हो रही है इसमें। तो यहां पर हम बोलेंगे द एक्सटेंट ऑफ कैश इन रिलेशन ऑफ GDP शो, शो सही है यहां पर। द चार्ट ऑन डिजिटलाइजेशन ऑफ पेमेंट्स, बैलेंसेज इन जनधन अकाउंट्स एंड द एक्सटेंट ऑफ कैश इन रिलेशन टू रिलेशन ऑफ GDP शो, शो सही है यहां पर, क्योंकि क्योंकि यहां पर एंड लगा हुआ है, यहां पर एंड लगा हुआ है, इसका मतलब हम दो सब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं, और जब दो सब्जेक्ट होते हैं यानी सब्जेक्ट प्लूरल होता है, तो वर्ब प्लूरल में आती है, यानी ये सही है यहां पर। ऑफ GDP शो ऑन सस्टेन्ड बेनिफिट का क्या मतलब होगा? यहां पर हम बोल सकते हैं नो सस्टेन्ड बेनिफिट, ठीक है। तो चार्ट्स ऑन डिजिटलाइजेशन ऑफ पेमेंट ये गलत है, बैलेंसेज इन जनधन अकाउंट्स एंड द एक्सटेंट ऑफ ऑफ कैश इन रिलेशन ऑफ GDP शो, ये इसका मतलब इसमें ये वाला जो पार्ट है ये सही है, ऑफ कैश इन रिलेशन, ऑफ कैश इन रिलेशन ये जो पार्ट है ये इसमें सही है, थर्ड इसमें आंसर आपका होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, साइंटिस्ट हैव डेवलप्ड आ न्यूली सिस्टम। न्यूली सिस्टम हम नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे न्यू सिस्टम। साइंटिस्ट प्लूरल सब्जेक्ट है तो हैव यहां पर सही है, डेवलप्ड थर्ड फॉर्म है जो कि सही है। आ न्यू सिस्टम, आ न्यू इसमें होगा एडजेक्टिव, सिस्टम इसमें होगा नाउन, और चूंकि ये नाउन और एडजेक्टिव का कॉम्बिनेशन है इसलिए यहां पर हम ए लगाएंगे, आ न्यू सिस्टम, ठीक है। साइंटिस्ट हैव डेवलप्ड आ न्यू सिस्टम, तो इसमें न्यूली की जगह न्यू आएगा, तो ये पार्ट आपका गलत हो गया। अब दूसरा देखते हैं, सिस्टम कैसा है? सिस्टम जो है वो सिंगुलर है या प्लूरल है? सिस्टम यहां पर सिंगुलर है, तो इसलिए यहां पर हम बोलेंगे यूजेस, ठीक है। दैट इसमें एक रिलेटिव प्रोनाउन है, और रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो वर्ब आती है वो अपनी पहले वाले नाउन के अकॉर्डिंग आती है, ठीक है। यूज यहां पर जो आ रहा है वो सिस्टम के लिए आ रहा है, तो इसलिए यहां पर हम बोलेंगे यूजेस, तो ये पार्ट में भी गलती हो गई। यूजेस पैरा फ्रेजेस फॉर ऑनलाइन ऑथेंटिकेशन एंड फाउंड इट टू बी बोल सकते हैं, बीइंग नहीं होगा इसमें। उन्होंने पाया, उन्होंने ऐसा पाया, साइंटिस्ट ने एक नया सिस्टम डेवलप किया है जिसमें पैराफ्रेजेस का यूज होता है ऑनलाइन ऑथेंटिकेशन के लिए, और उसको ऐसा पाया, इस सिचुएशन में पाया, यहां हम ये नहीं बोलेंगे कि ऐसा पाया जा रहा है, बीइंग का मतलब तो ये हो जाएगा कि ऐसा पाया जा रहा है, ऐसा उन्होंने, ऐसा उनको मिला, ऐसा उन्होंने पाया, तो यहां हम बोलेंगे फाउंड इट टू बी मोर यूजर फ्रेंडली एंड सिक्योर देन, फाउंड इट बीइंग मोर यूजर फ्रेंडली एंड सिक्योर देन ट्रेडिशनल वर्ल्ड बेस्ड पासकोड्स। तो यहां पर आपका ये वाला पार्ट सही है, एंड सिक्योर देन, ठीक है, ये वाला पार्ट आपका इसमें सही है, फोर इसमें आंसर आपका होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, द स्टाफ, स्टाफ गलत है यहां पर, स्टाफ सिंगुलर में यूज होता है। स्टाफ ऑफ 4 पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैज बीन अलीज्ड, उनके ऊपर मतलब पब्लिक सेक्टर बैंक के स्टाफ के ऊपर, स्टाफ ऑफ 4 पब्लिक सेक्टर बैंक्स मतलब 4 पब्लिक सेक्टर बैंक के स्टाफ के ऊपर एक आरोप लगाया गया है, एलिस टू उनके ऊपर आरोप क्या लगाया कि उन्होंने क्या किया है, उनके ऊपर आरोप लगाया गया है। देखिए ये पैसिव वॉइस कंस्ट्रक्शन है, हैज बीन अलीज्ड मतलब उनके ऊपर आरोप लगाया गया है। जब इजेमार के साथ, वॉजबर के साथ वर्ब फॉर्म हम लगाते हैं तो वो होता है पैसिव वॉइस कंस्ट्रक्शन,
पैसिव वॉइस कंस्ट्रक्शन का मतलब है कि यहां पर जो सब्जेक्ट है उसके ऊपर कोई एक्शन हुआ है, उसने एक्शन नहीं किया है, उसके ऊपर कोई एक्शन हुआ है। तो इस सेंटेंस का मतलब यह है कि उनके ऊपर आरोप लगाया गया है। यदि ये एक्टिव वॉइस में होता तो इसका मतलब ये होता कि स्टाफ ने आरोप लगाया है, जबकि सेंटेंस बोल रहा है कि स्टाफ के ऊपर आरोप लगा है, स्टाफ के ऊपर आरोप लगाया गया है। तो इसलिए ये पैसिव वॉइस कंस्ट्रक्शन है। और स्टाफ के ऊपर आरोप लगाया गया है किस चीज़ का? टू हैव बीन सॉल्टेड अवे। देखिए यहाँ पर ये पैसिव वॉइस दे दिया है, यहाँ पर ये एक्टिव वॉइस होना चाहिए। उनके ऊपर आरोप लगा है कि टू हैव सॉल्टेड, कि उन्होंने सॉल्ट अवे किया है, उसके साथ धोखाधड़ी किया है पैसे के साथ। टू हैव, यहाँ पे बीन नहीं आएगा, टू हैव सॉल्टेड अवे डिपॉजिटर्स मनी, डिपॉजिटर्स मनी इन मिस यूजिंग नहीं होगा, यहाँ पर होगा उन्होंने पैसे को मिस यूज किया है, बाय होगा यहाँ पर, बाय मिस यूजिंग, ये लेटर नहीं होगा। लेटर का मतलब होता है समय के सेंस में। देखिए एक होता है लेटर और एक होता है लेटर। एल ए टी ई आर लेटर जो होता है इसका मतलब होता है समय के संदर्भ में, समय के कॉन्टेक्स्ट में, बाद में। जबकि यहाँ पर हम बोलना चाह रहे हैं कि पोजीशन के संदर्भ में, पोजीशन के कॉन्टेक्स्ट में, बाद में। तो यहाँ पर हम बोलेंगे लेटर, एल ए डबल टी ई आर, ठीक है, मिस यूजिंग द लेटर। तो यहाँ पर ये भी गलत हो गया, यहाँ पर सारे गलत हैं, ठीक है। इसमें स्टाफ गलत हो गया, और इसमें आपका बी नहीं आएगा, इसमें आपका डिपॉजिटर्स मनी इन की जगह बाई आएगा, और यहाँ पर लेटर आएगा। हाँ, इसमें आपका आंसर होगा ऑल आर इनकरेक्ट। और कैसे कैसे इनकरेक्ट हैं वो मैंने आपको बताया है, और ये है लेटेस्ट पैटर्न बैंकिंग एग्जाम में। तो इसमें एक्चुअली क्या देख पा रहे हैं आप, इसमें आपको बेसिक कॉन्सेप्ट तो आपको आना ही चाहिए, इसके अलावा इंग्लिश लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग कि कहाँ पर कौन सा वर्ड नेचुरली जाएगा वो आपको इसमें पता होना चाहिए। इसके अलावा एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का कॉन्सेप्ट भी आपका बहुत ही क्लियर होना चाहिए, जैसे मैंने यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करके बताया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ही हैड द डिटेल फॉर्मल एजुकेशन येट प्रोड्यूस्ड वॉल्यूम एंड वॉल्यूम। देखिए यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं, येट का मतलब होता है जब हम कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करते हैं तो उसके लिए हम येट लगाते हैं। जैसे यदि मैं बोलूं कि ऑल्दो ही इज पुअर येट ही डोनेट्स लॉट ऑफ मनी, या ऑल्दो ही डोनेट सम मनी, ठीक है, तो येट से हम क्या लगाते हैं, एक कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करते हैं। तो यहां पर हम बोल रहे हैं प्रोड्यूस्ड वॉल्यूम, वॉल्यूम एंड वॉल्यूम, मतलब उसकी फॉर्मल एजुकेशन जो थी वो ना के बराबर थी, लेकिन उसके बावजूद भी उसने फिक्शन, ड्रामा और मेमोइर के वॉल्यूम, काफी सारे वॉल्यूम प्रोड्यूस किए। तो देखिए यहां पर आपको लिटिल, द लिटिल और आ लिटिल का मतलब पता होना चाहिए। लिटिल होता है नेगेटिव सेंस के लिए, ए लिटिल होता है कुछ, और द लिटिल होता है जितना भी है, सारा का सारा। तो यहां पर हम लिटिल को यूज करेंगे नेगेटिव सेंस में, क्योंकि यहां पर हम बोल रहे हैं कि उसकी जो एजुकेशन थी वो ना के बराबर थी, उस तभी तो ये कॉन्ट्रास्ट क्रिएट होगा। यदि उसकी एजुकेशन थी तो फिर तो हम येट लगा ही नहीं सकते यहां पर, ठीक है। येट हम लगा रहे हैं कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करने के लिए कि उसकी एजुकेशन कम थी लेकिन उसने बड़ा काम किया। और यदि मैं ऐसे बोलूं कि बड़ी एजुकेशन थी और बड़ा काम किया, तो कॉन्ट्रास्ट क्रिएट नहीं होगा यहां पर। तो इसलिए यहां पर आपका एक नेगेटिव वर्ड यहां पर चाहिए आपको। तो यहां पर यह होगा ही हैड लिटिल फॉर्मल एजुकेशन, द नहीं आएगा, येट प्रोड्यूस्ड। देखिए जब हम ये बोलते हैं, एक फ्रेज होता है जैसे सालों साल, ठीक है, सालों साल, तो इसको हम बोलेंगे ईयर आफ्टर ईयर, वीक आफ्टर वीक, ठीक है, पेज आफ्टर पेज, बुक आफ्टर बुक, मतलब एक के बाद दूसरी, इसका मतलब होता है एक के बाद दूसरी। तो यहां पर इसका सही जो फ्रेज होगा वो होगा वॉल्यूम आफ्टर वॉल्यूम, ये गलत है इसमें, ऑफ फिक्शन ड्रामा एंड मेमोर एंड जर्नलिज्म थ्रू हिज लाइफ। थ्रू हिज लाइफ का क्या मतलब है, अपनी लाइफ के द्वारा, थ्रू हम यूज करते हैं मीडियम के लिए, लेकिन यहां पर हम क्या बोल रहे हैं कि उसने वॉल्यूम के बाद वॉल्यूम क्रिएट किए, प्रोड्यूस किए अपनी लाइफ के दौरान, अपनी पूरी लाइफ के दौरान। तो थ्रू को हम चेंज कर देंगे थ्रू आउट में, थ्रू यूज होता है मीडियम के लिए, ठीक है।
तो इसमें आपका ये वाला जो पार्ट है, ये थर्ड पार्ट ये है इसमें करेक्ट, बाकी सभी पार्ट्स में इसमें गलती है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, सिचुएटेड एट द कन्फ्लुएंस ऑफ। अब देखिए ऊपर से देखने पर ये सेंटेंस, ये जो पाथ है ये सही लग रहा है, सिचुएटेड एट द कन्फ्लुएंस ऑफ। कन्फ्लुएंस ऑफ मतलब जहां पर क्रॉस रोड होता है, यहां पर क्रॉस होता है किसी भी रोड का या चौराहा, उसको हम बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं, मतलब एक क्रॉसिंग पॉइंट आप बोल सकते हैं, यहां पर दो चीजें ऐसे क्रॉस करती हैं, तो इसको हम बोलते हैं कन्फ्लुएंस। और एट द कन्फ्लुएंस ऑफ जो है ये सही फ्रेज है, एट द कन्फ्लुएंस ऑफ। तो सिचुएटेड एट द कन्फ्लुएंस ऑफ टू एंशियंट, देखिए यहां पर टू लगा है तो टू के बाद हम नाउन जो लेंगे वो कैसा लेंगे, प्लूरल लेंगे, टू एंशियंट्स ऑफ सिविलाइजेशन, द इंडियन सब कॉन्टिनेंट और चाइना। देखिए क्या इंडियन सब कॉन्टिनेंट को आप चाइना बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते, तो इसका मतलब ये है कि सॉरी, इंडियन सब कॉन्टिनेंट एंड चाइना, ठीक है, सिचुएटेड एट द कन्फ्लुएंस ऑफ। कन्फ्लुएंस आपका तभी क्रिएट होगा जब दो बॉडीज होंगी, जब दो रोड एक दूसरे को क्रिएट करेंगी, तभी तो कन्फ्लुएंस यहां पर क्रिएट होगा, अदरवाइज कन्फ्लुएंस क्रिएट नहीं होगा। इसका मतलब यहां पर दो एंटिटी की बात हो रही है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट एंड चाइना, ठीक है। और इसमें असम के बारे में बात हो रही है कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट और चाइना के कन्फ्लुएंस में असम स्थित है, एंड असम हैज मोस्ट यूनिक, यूनिक के साथ हम मोस्ट नहीं लगाते, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके जिनको हम कंपेयर नहीं करते, क्योंकि यूनिक का मतलब है 100% परफेक्ट, और 100% को हम कंपेयर नहीं कर सकते। जैसे परफेक्ट एक वर्ड है, या स्क्वायर एक वर्ड है, या राउंड एक वर्ड है, इसके साथ हम मोस्ट या मोर नहीं लगाते, क्योंकि राउंड राउंड को आप मोर राउंड या मोस्ट राउंड नहीं बोल सकते, राउंड का मतलब राउंड है, ठीक है। तो इसलिए यहां पर मोस्ट नहीं आएगा, मोस्ट हिस्ट्री ऑफ द एसिमिलेशन ऑफ पीपल एंड कल्चर। तो इसमें आपका फर्स्ट पार्ट जो है ये सही है, ये वाला जो पार्ट है इसमें सही है, क्वेश्चन नंबर 8 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, इन द मार्केट पीपल नो रफली। देखिए यदि आप यहां से पढ़ना शुरू करें तो आपका आंसर शुरू में ही आ जाएगा, पीपल नो रफली, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। इन द मार्केट पीपल, पीपल प्लूरल है तो इसलिए नो सही है, यहां पर पीपल नो रफली, ये पार्ट इसमें सही लग रहा है। ये वॉट इज स्टेनलेस स्टील, क्या ये पार्ट सही है, वॉट इज स्टेनलेस स्टील, आप खुद सोच के बताइए क्या ये पार्ट सही है या गलत है। अगर गलत है तो क्यों गलत है, देखिए गलत ये इसलिए है क्योंकि यदि ये क्वेश्चन होता तो यहां पर एक क्वेश्चन मार्क होता, यहां पर क्वेश्चन मार्क तो है नहीं इसमें, तो इसलिए इसको आप अफर्मेटिव स्टेटमेंट की तरह लिखेंगे, इसको आप लिखेंगे वॉट स्टेनलेस स्टील इज, तो ये पार्ट हो गया आपका गलत। बट हाउ मच कार्बन और क्रोमियम कंटेंट, इसको कंटेंट्स नहीं बोलते, ये कंटेंट्स जो होता है, ये टेबल ऑफ कंटेंट्स जो होता है ये बुक्स में होता है, यहाँ पर हम स्टील में, स्टेनलेस स्टील में कार्बन या क्रोमियम का कितना कंटेंट होता है उसकी बात कर रहे हैं। बट हाउ मच कार्बन और क्रोमियम कंटेंट इज नेसेसरी फॉर कॉलिंग इट टू बी फॉर कॉलिंग इट स्टेनलेस स्टील, टू बी का यहाँ पर कोई यूज नहीं है, फॉर कॉलिंग इट स्टेनलेस स्टील कैन नॉट बी डिफाइंड, कैन नॉट बी डेफिनेटली अग्रीड अपॉन। तो इसमें आपका फर्स्ट पार्ट सही है, इन द मार्केट पीपल नो रफली, इस पार्ट में कोई एरर नहीं दिखाई दे रही है, ये होगा वॉट स्टेनलेस स्टील इज, यहाँ पर होगा बट हाउ मच कार्बन और क्रोमियम कॉन्टेंट होगा, यहाँ पर होगा वॉट स्टेनलेस स्टील इज, यहाँ पर होगा नेसेसरी फॉर कॉलिंग कॉलिंग इट स्टेनलेस स्टील, कॉलिंग इट टू बी, कॉलिंग इट टू बी एक्चुअली एक्चुअली सुपरफ्लूअस है, कॉलिंग इट टू बी, ठीक है। तो यहां पर आपका आंसर होगा फर्स्ट। द सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस इज बीइंग अरेस्टेड, देखिए क्या ये सही है, क्या आप सीरियस, इसका मतलब हुआ सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस इज बीइंग अरेस्टेड, यहां पर फिर से पैसिव वॉइस का कॉन्सेप्ट आ गया कि सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस को अरेस्ट किया जा रहा है, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस को हम अरेस्ट नहीं करेंगे, सीरियस
फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस अरेस्ट करेगा किसी दूसरे व्यक्ति को। तो यहां पर पैसिव वॉइस का कॉन्सेप्ट आ गया, द सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस हैज अरेस्टेड, आप बोल सकते हैं हैज अरेस्टेड, इसने अरेस्ट किया है किसको, भूषण स्टील्स फॉर्मरली प्रमोटर। प्रमोटर क्या है, नाउन है, तो इससे पहले हम एडजेक्टिव लगाएंगे और एडजेक्टिव होगा फॉर्मर, भूषण स्टील्स फॉर्मर प्रमोटर नीरज सिंगल आफ्टर एन इन्वेस्टिगेशन वॉज कंडक्टेड इन द कंपनी एंड द प्रमोटर। देखिए इन्वेस्टिगेशन जो होता है कंपनी के अंदर नहीं होता, इन्वेस्टिगेशन किसी कंपनी के ऊपर होगा, ठीक है, कंडक्टेड यहां पर हम बोलेंगे ऑन द कंपनी एंड ऑन द प्रमोटर। जो इन्वेस्टिगेशन होगा वो किसी व्यक्ति के ऊपर होगा, व्यक्ति के अंदर नहीं होगा या कंपनी के अंदर नहीं होगा, तो इसलिए इसमें आपका ये पार्ट करेक्ट है, इसमें ये, इसमें कोई भी गलती नहीं लग रही है, ठीक है। तो इस तरीके से इन सेंटेंसेस को आपको करना है। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा, और इस तरह की क्लासेस मैं डेली अपलोड करूंगा इस चैनल पर जिसका नाम है इंग्लिश एडवांटेज यूट्यूब चैनल। यदि आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पर आए हैं तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और इसको सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको नोटिफिकेशन सारे मिलते रहें। यदि आप मेरी पेड क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं और गारंटेड सिलेक्शन लेना चाहते हैं बैंक पीओ में, बैंक क्लर्क में, एसएससी एग्जाम में, तो इन सभी के लिंक्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, वहाँ से इन पेड क्लासेस को आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस वीडियो क्लास में इतना ही, अब मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो क्लास में। थैंक यू।